टाई पट्टी थाना सदर जिला दरभंगा अंतर्गत स्वर्गीय हरि नारायण सिंह के पुत्र सुधीर कुमार का कहना है कि वे वार्ड नंबर 1 से 8 तक के निर्वाचित पंचायत समिति का सदस्य हैं। दिनों से ग्रामीण शशि कुमार सिंह उर्फ संतू सिंह एवं ललित कुमार महतो एक साजिश के तहत अपमानित कर उनके छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से गांव में तरह तरह की अफवाह फैला रहा था। दिनांक 15/11/2023 को संध्या 7 बजे उनके दरवाजे पर गजाला परवीन मुखिया जी, पति पप्पू जी, मुखिया प्रतिनिधि जावेद, सरपंच सतेंद्र कुमार सिंह, जय कुमार सिंह, भोला महदानी लाल महतो, उमेश महतो इत्यादि लोग पूर्व निर्धारित पंचायती के लिए बैठे थे। पप्पू जी ने फोन कर ललित कुमार महतो को बुलाए। ललित कुमार महतो आए तथा उनके पीछे 6 मोटरसाइकिल से 12 आदमी तथा 1 स्कॉर्पियो 4 चक्का जिनमें काफी मात्रा में हथियार था, 6 आदमी पकड़ कर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हम लोग द्वारा विरोध करने मेरे भाई रणधीर कुमार सिंह को सभी मिलकर पकड़ कर ललित कुमार महतो अपने घर पर ले गया। पीछे पीछे हम लोग भी ललित कुमार महतो के घर गए, जहां देखे कि मेरे भाई रणधीर कुमार सिंह को शशि कुमार सिर्फ उर्फ संतू, पिता आस नारायण सिंह, ललित कुमार महतो पिता राम विलास महतो, पिता स्वर्गीय भोगी लाल महतो, तीनों ग्राम टाई पट्टी थाना सदर जिला दरभंगा, सिंधेश्वर यादव पिता नामालूम शाह थाना रेयाम जिला दरभंगा, अन्य 10-12 आदमी जिनको चेहरा देखकर पहचान सकते हैं, अपने अपने हाथ में लोहे का रॉड व लाठी एवं पिस्तौल से लेस थे। शशि कुमार सिंह उर्फ संतू अपने हाथ में लिए लोहे का रॉड से जान मारने की नियत से मेरे भाई रणधीर कुमार सिंह के सिर पर मारकर जख्मी कर दिया तथा ललित कुमार महतो मेरे भाई के ऊपर पिस्तौल चलाया, जो नहीं फायर हुआ तो ललित कुमार महतो ने पिस्तौल के बट से सिर में मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद रामविलास महतो ने लाठी से मारकर मेरे भाई का दाहिनी हाथ एवं दाहिना कंधा तोड़ दिया। राजन कुमार भी स्कॉर्पियो गाड़ी से लाठी निकालकर मेरे भाई के शरीर पर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया तथा 2 ट्रैक्टर के बीच में हत्या करने के उद्देश्य से रख दिया। बचाने के क्रम में मुझे मौसम कुमार सिंह एवं सुजीत कुमार को चोटें आईं। सभी मेरे घर में आग लगाने एवं हत्या करने की बात करने लगे। ग्रामीण लोगों ने मेरे जख्मी भाई को इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया है, जहां मेरे भाई जिंदगी और मौत के बीच इलाजरत है। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर सभी लोग भाग गए तो हम लोगों की जान बच। ग्रामीणों द्वारा 4 मोटरसाइकिल एवं स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर BR07PC7881 एवं 2 व्यक्ति राजन कुमार एवं सिंधेश्वर यादव को ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया। मैं थाना को सूचित किया, जिस पर पुलिस आई तथा 2 मोबाइल 1 मोटरसाइकिल जिसमें 1 तलवार 4 लोहे का रॉड 4-5 लाठियां थी तथा राजन कुमार एवं सिंधेश्वर यादव को अपने साथ ले गई। गाली देते हुए वो अपना तब तक मैं ये पहुंच गया गाड़ी ट्रैक्टर लगा के, बोला क्या हो गया। तभी तक मैं इसको घर से घसीटते हुए वो लोग मारते पीटते ले गए। हम अकेले थे वहाँ, पंचायत प्रतिनिधि थे, बुजुर्ग सब भी थे, तो वो लोग असमर्थ थे। वो क्योंकि बाहर से आए हुए थे, सब प्लानिंग था उनका, जिसमें 4 बाइक पकड़ाया है, थाना को दिए हैं 4 बाइक सुपुर्द कर। मेरे पास वीडियो भी है गाड़ी ले जाने का। अच्छा, बाहर से लोगों को मार करने के बुलाया था? जी जी, ललित जगह पर हुआ था, छोटाई पट्टी में पंचायत समिति के दरवाजे पे, मेरे खुद दरवाजे पे। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार सिंह। तो आपके साथ हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे तो देखे दरवाजे पे बहुत भीड़ था। उसके बाद हम वहाँ पे आके नीचे उतरे, देखे इतना भीड़, तो हम थोड़ा विरोध करने के लिए गए। वहाँ पे संतू सिंह ने हमको रॉड से मारा और राम विलास महतो लाठी से मार के हमको घींच के लेके गया दरवाजा कैंपस के अंदर में, ललित महतो के कैंपस के अंदर में। तब ले जाके वहाँ पे कोई बोल रहा था गोली मार दो, तो कोई बोल रहा था ट्रैक्टर चढ़ा दो, ऐसे ही करके वहाँ पे पिस्टन से हमको ललित महतो ने पिस्टन से सर पे मारा। उसके बाद हम बेहोश हो गए और मुझे ट्रैक्टर के नीचे फेंक दिया गया। विवाद का क्या कारण था? उसके बाद हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम ट्रैक्टर चला रहे थे, इसके वजह से हमको कुछ नहीं मालूम।
यही भाई जी के बारे में थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला था, तो पंचायत था इतना मालूम था, जो कि आज बैठा रहे दरवाजे पे। तो हम काम धंधे वाले आदमी हैं, इसकी वजह से ट्रैक्टर लेके चले गए अपना काम धंधा करने के लिए। बोले भाई जी हैं प्रतिनिधि, तो भाई जी अपना करेंगे। हमको इतना मालूम नहीं था जो कि ये मेरे साथ लगभग 25-30 आदमी से बाहर का आदमी बुलाया था, मोटरसाइकिल से आया था, कुछ कुछ स्कॉर्पियो से आया था, सबके हाथ में पिस्टन था। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार सिंह।